आगरा की 2 सीटों सहित उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस मतदान प्रक्रिया में कैसे पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेंगी उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बूथ। तो बूथ स्तर पर किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। जितने भी लोग यहाँ टेबल ब्रेंच लेके बैठे हैं इन्हें बूथ एजेंट कहा जाता है। इन लोगों का काम ये होता है कि जो जिस पार्टी के मतदाता हैं या जिस पार्टी के ये बूथ एजेंट हैं उनको सहूलियत के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचाएं और उन्हें मतदान यानी कि उन्हें मतदान करने में उनकी कह सकते हैं उनकी मदद करें, उन्हें जो है बड़ी शांतिप्रिय तरीके से या कह सकते हैं जो कानूनी प्रक्रिया है उसके उससे अवगत कराते हुए उससे जो मतदान कराएं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस पार्टी के बूथ एजेंट हैं और उनका काम क्या होता है। जी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रवि पठान नाम है मेरा। पठान साहब, बूथ एजेंट जो है आप किस पार्टी के बूथ एजेंट हैं और किस तरह से काम करते हैं? गठबंधन के हम बूथ एजेंट हैं। यहाँ पर जो लोग वोटर परेशान होते हैं उन वोटरों को वोट ढूंढ के देते हैं, वोटरों का भाग संख्या क्रम संख्या अनुसार मिला के देते हैं जिनसे कि वोट डालने में आसानी होती है उन लोगों को। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपना वोटर कार्ड आधार कार्ड उसमें कुछ ना कुछ साथ में होना चाहिए जिससे कि हम क्रम संख्या बूथ संख्या मिला सकें, उनको अपने स्थान पर भेज सकें वोट डालने के लिए। तो अभी किस तरह की यहाँ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, जो लोग आते हैं उन्हें किस तरह की मेन समस्या से गुजरना पड़ता है, किस तरह की परेशानी होती है उन्हें? कभी 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 ऐसा होता है जो वोटर आते हैं उनको क्रम संख्या नहीं मिलती है, उनके घर पे पर्चियाँ नहीं पहुँचाई जाती हैं जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी BLO द्वारा उन पर अगर साइन ना हो पर्ची पर जो हम लोग बना के देते BLO साइन ना करें तो वोट डालने में परेशानी होती है, इसलिए BLO के द्वारा साइन करवाना और वहाँ पर भेजना वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है जिससे कि वोटर को वोट डालने में आसानी होती है। चलिए बूथ एजेंट की तो बात हो गई, लेकिन आपसे बात करना चाहेंगे आपने किन मुद्दों को लेके जो है चुनाव की मतलब वोट किया है? हमने यहाँ पर अगर हम अपने जिले स्तर की बात करें तो यहाँ पर रोड की समस्या है, नौजवानों के रोजगार, यहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बेचारे लोग बीमार परेशान घूमते हैं, चिकित्सा सुविधा शिक्षा की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है किसी। अगर नेशनल बात करें हम तो मोदी जी ने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। यहाँ पर नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देने का जो वादा किया था वो भी कभी पूरा नहीं हुआ, राम मंदिर बनवाने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ, नोटबंदी और GST के नाम पर मोदी जी कह रहे थे कि देश इसका फैसला है, उनने आज तक उस मुद्दे पर कभी वोट ही नहीं मांगा है मोदी जी ने। इस तरह से ये सरकार बिल्कुल फेल रही है, हमने इस मुद्दों को देखते हुए फेलियर को देखते हुए दूसरी सरकार फैसला किया। बिल्कुल अलग अलग तरह से लोग हैं, अलग अलग तरह के उनके मत हैं और उसी मत के साथ उन्होंने मतदान किया है, किसी को पानी की समस्या है, किसी को GST की समस्या है, तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो अलग अलग अपनी समस्याओं के साथ बूथ मतलब कह सकते हैं कि वोट कर रहे हैं मतदान कर रहे हैं। या कुछ लोग और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे या कुछ लोग और हैं कि वो किस पार्टी के उनका काम क्या है, किस तरह से वो यहाँ काम कर रहे हैं, किस तरह मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुँचा रहे हैं। जी आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पार्षद हम जाके। ये जो बूथ एजेंट होते हैं इनका काम क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं? बूथ एजेंट अपने बूथ पर जो मतदान करने आ रहा है उस व्यक्ति की पहचान करना कि सही व्यक्ति है कि नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, ये काम है। लोगों का लोकतंत्र में एक व्यवस्था मिली है, हमें अधिकार मिला है वोट डालने का। मत से वोट डालने के बाद आदमी अच्छा प्रधानमंत्री अच्छा सांसद चुनने का काम करता है। तो आप लोग किस तरह से मतलब यहाँ कार्य कर रहे हैं और अभी ये तो बूथ एजेंट की बात हो गई लेकिन बात आपकी करें तो आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? हम लोगों ने विकास के नाम पर वोट मांगे हैं, आगरा शहर में जो विकास हुए हैं उसके नाम पर वोट मांगे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए, नौजवान के लिए, गरीब के लिए, एक बिल्कुल अंतिम स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के जो विकास किए हैं उसके नाम पर हम सभी समाज से, हर विशेष से, हर धर्म से, हर जाति से, सर्व समाज से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टी से जुड़े लोग हैं, सबका कहना यह है कि उन्होंने विकास के नाम पर या कह सकते हैं कि नोटबंदी या GST के नाम पर वोट किया है। तो ये तो आने वाले चुनाव के जो परिणाम हैं उनके बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार किसकी बनती है, लेकिन सभी लोग जो है अपने मत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने साथी हरेंद्र पचौरी के साथ सैयद शकील, DG महाराजा न्यूज़, आगरा।